तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैनन का पिक्समा इंक एफिशिएंट G3060 मॉडल परचेस किया है। ये हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फुल सेटअप बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। इसको अनबॉक्स करने से पहले हम इसके बॉक्स पर लिखे हुए कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंटर की यहाँ पर स्पीड लिखी हुई है कि ये 1 मिनट में ब्लैक 10 और कलर 6 प्रिंट कर सकता है, और इसमें आपको 2 लाइन की LCD डिस्प्ले भी मिल जाती है। इसे आप चाहे तो मोबाइल डिवाइस प्रिंटिंग के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंक टैंक भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ आपको हाइलाइट्स मिल जाते हैं। अगर हम इसके पेज यील्ड की बात करें तो आप इसके एक ब्लैक बोतल से 6000 ब्लैक पेजेस प्रिंट आउट कर सकते हैं, जबकि इसके कलर बोतल से आप 7700 कलर पेजेस प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करने से पहले इसके कुछ हाइलाइट्स और इसके स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इस प्रिंटर में आपको गूगल होम और एलेक्सा का वॉइस सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप सिर्फ बोलकर ही अपने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस प्रिंटर में आपको वाईफाई का तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ ही इसमें आपको वाईफाई डायरेक्ट का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल से ही डायरेक्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको क्लाउड प्रिंटिंग का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप कभी भी किसी भी जगह से क्लाउड प्रिंटिंग की मदद से अपने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। पेपर साइज सपोर्ट की बात करें तो इसमें आप ऑलमोस्ट सभी तरह के पेपर साइज का प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रिंटर में A4, A5, A6, B5, LTR और लीगल जैसे सभी तरह के पेपर साइज प्रिंट आउट कर सकते हैं। सभी सपोर्टेड पेपर साइज की लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर हम इस प्रिंटर की ड्यूटी साइकिल की बात करें तो आप इस प्रिंटर से महीने का 3000 पेजेस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर हम इस प्रिंटर के मैक्स प्रिंट स्पीड की बात करें तो आप इस प्रिंटर से कलर 1 मिनट में 6 पेजेस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जबकि ब्लैक 1 मिनट में 11 पेजेस आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर पेजेस की बात करें तो अगर आप अपने इस प्रिंटर में एक बार इंक फिल कर लेते हैं तो ब्लैक आपको 12 पैसे पर पेजेस प्रिंट आउट पड़ता है, जबकि कलर आपको 35 पैसे पर प्रिंट आउट पड़ता है। अगर हम पेज यील्ड की बात करें तो आप इसके एक ब्लैक बोतल से 6000 ब्लैक पेजेस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जबकि इसके 3 कलर बोतल से 7600 कलर प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। ये प्रिंटर एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है, यानी कि आप एक ही प्रिंटर से स्कैन, कॉपी और प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो वैसे तो इसका MRP है 17000 रुपया, लेकिन मैंने इस प्रिंटर को 14600 रुपये में ऑफर में खरीदा है। तो जब भी ऑफर या डील चले तो आप इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं, ये आपको 14000 रुपया ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है कि आपको इस बॉक्स में से प्रिंटर को किस तरह से निकालना है। ये इसका कॉर्ड है और ये इसका USB केबल है। यहाँ पे आपको एक CD दी गई है जिसे आप देखकर इसे सेटअप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारा मैनुअल दिया गया है और साथ ही इसमें वारंटी कार्ड भी है। साथ ही यहाँ पर आपको सेटअप के लिए एक बुक भी दिया गया है। आप चाहें तो इस बुक को देखकर भी इसे अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 प्रिंट हेड दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हेड बहुत ही अच्छे से इस बॉक्स में रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको 3 कलर बोतल और 1 ब्लैक बोतल दिया गया है जिसे आपको अपने इस प्रिंटर में यूज करना है। प्रिंटर को निकालने के लिए आपको प्रिंटर को पकड़कर नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक दिया गया है, इस प्लास्टिक को इस तरह से आपको पकड़कर इस तरह से उठाकर आपको निकालना है। तो ये है हमारा प्रिंटर। आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन बहुत ही स्लीक है और ये दिखने में बिल्कुल कॉम्पैक्ट भी लगता है। यहाँ पे आपको कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसे आप चाहें तो इस तरह से निकाल कर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं ताकि पेपर बाहर आसानी से आ सके। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट इंक टैंक दिख जाता है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि अभी आपके प्रिंटर में कितना इंक बच रहा है। ये कलर इंक टैंक है और ये यहाँ पे ब्लैक इंक टैंक है। अभी आपके प्रिंटर पे हर जगह आपको इस तरह से एक टेप लगा हुआ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको इस टेप को रिमूव इस तरह से ज़रूर कर देना है, तभी आपको इसके फ्लैप को उठाना है, अदरवाइज ये ब्रेक कर सकता है। टेप हटाने के बाद इसे आप इस तरह से ऊपर करेंगे, फिर आप इसके यहाँ पे इस टेप को इस तरह से आप रिमूव करेंगे।
इसे उठाने के लिए यहाँ पर आपको एक होल्डर भी दिया गया है, इस तरह से आप पकड़कर इसे आप आसानी से उठा सकते हैं। इसके ऊपर में आपको यहाँ पे इसका मॉडल लिखा हुआ मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको कई तरह के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप बटन मिलता है, अगर आपको ब्लैक प्रिंट करना है तो ब्लैक पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कलर प्रिंट करना है तो आप कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच भी मिल जाता है। इसके पीछे में आपको पेपर स्लॉट का जगह मिल जाता है, इसे आप ऊपर करेंगे फिर आप इसे ऐसे करेंगे, आप यहाँ पे पेपर साइज के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बैक साइड में यूएसबी केबल लगाने के लिए पोर्ट भी दिया गया है। इस प्रिंटर के साथ जो आपको यूएसबी केबल मिला है, इस साइड वाले को आपको इसमें लगाना है और इस साइड वाले को आपको अपने कंप्यूटर में लगाना है और आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट इसे प्रिंट कर सकते हैं। और इस साइड में आपको पावर केबल लगाने के लिए पावर पिन भी दिया गया है। इस प्रिंटर के साथ आपको इस तरह का एक केबल मिला है, तो आपको इस पावर पिन को इसमें इस तरह से फिट कर देना है। उसके बाद आपको इस साइड वाले को अपने पावर सॉकेट में लगाना है। अब फाइनली हमें इस प्रिंट हेड को इस प्रिंटर के अंदर सेट करना है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट हेड पर आपको बी और सी लिखा हुआ दिख रहा होगा। बी यानी कि ब्लैक, ये प्रिंट हेड ब्लैक के लिए है। सी यानी कि कलर, यानी कि ये प्रिंट हेड कलर के लिए है। प्रिंट हेड इस प्रिंटर में सेट करने के लिए आपको इसे इस प्रकार से उठाना है और इसे आपको एक सेकेंड होल्ड करना है, ये ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। प्रिंट हेड लगाने से पहले आपको इसमें लगे हुए सभी टेप को इस तरह से रिमूव कर देना है। टेप को इस प्रकार आप रिमूव करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑरेंज प्लास्टिक दिख रहा होगा, इसे आपको इस तरह से निकाल कर हटा देना है। प्रिंट हेड लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसे इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रेस करना है, ये खुलकर ऊपर आ जाएगा। अब आप अपने प्रिंट हेड के प्लास्टिक को इस तरह से ओपन करेंगे। इस प्रिंट हेड पर आपको दो ऑरेंज स्टिकर दिख रहे होंगे, इन दोनों ऑरेंज स्टिकर को आपको इस तरह से रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट हेड पर बी लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रिंट हेड ब्लैक के लिए है और यहाँ पर भी आपको बी लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी कि ये कंपार्टमेंट ब्लैक प्रिंट हेड के लिए है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट हेड पर आपको कई सारे कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहे होंगे और यहाँ पर भी आपको कई सारे कनेक्टिंग पॉइंट दिख रहे होंगे, तो आपको इस कनेक्टिंग पॉइंट को इस कनेक्टिंग पॉइंट से मिलाकर इस प्रिंट हेड को आपको वहाँ पर इस तरह से सेट कर देना है। तो चलिए ठीक इसी तरह से हम कलर वाले प्रिंट हेड को निकाल लेते हैं। इसमें से भी आपको सभी ऑरेंज स्टिकर को इस तरह से निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रिंट हेड पर सी लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रिंट हेड कलर के लिए है और यहाँ पर भी आपको सी लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे इस कनेक्टिंग पॉइंट को यहाँ पे दिए गए कनेक्टिंग पॉइंट से मिलाना है और इसे आपको ठीक उसी तरह से रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कलर और ब्लैक दोनों प्रिंट हेड को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि इसे आपको इस प्रकार से नीचे करना है और आपको यहाँ पे इस तरह से इसे दबाना है, आपको एक आवाज कट सा आएगा, इसका मतलब ये अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे, इस दो बटन को आपको इस तरह से प्रेस करना है, तो यहाँ से भी आपको एक आवाज आएगा। आपका प्रिंट हेड सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको इसके पावर कॉर्ड को इसके पावर पिन में इस प्रकार लगाना है। पावर लाइन देने के बाद इसके पावर बटन को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज सिलेक्शन, आप चाहें तो इसे आगे या पीछे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इसे इंग्लिश ही रहने देना है। फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, तो इसे आपको यहाँ पे इसे यस पर लाना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर द इंक टैंक फिल्ड विद द इंक, यानी कि क्या आपने इसमें इंक भर दिया है या नहीं, तो इसे आपको नो पर क्लिक करना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब हम इस प्रिंटर में इन चार इंक को फिल करेंगे। इसके कलर को फिल करने के लिए फिर से आपको इसे इस तरह से उठाना है। अब यहाँ पे आपको कलर को मैच करके कलर को फिल करना है। ये कंपार्टमेंट ब्लैक के लिए है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी के लिखा हुआ है, यानी कि ब्लैक। इस कंपार्टमेंट में ब्लैक कलर फिल होगा और यहाँ पे वाई एम सी लिखा हुआ दिख रहा होगा। वाई यानी कि येलो, एम यानी कि मैजेंटा और सी यानी कि सियान। इसी तरह से आपको कलर बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पर भी एम लिखा हुआ है, यानी कि मैजेंटा, ये इस वाले में जाएगा
और इसी तरह से यहाँ पे आपको येलो में वाई लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि ये येलो वाले में जाएगा, और यहाँ पे आपको इस बॉक्स में सियान लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि ये कलर इस वाले कंपार्टमेंट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको कलर के बॉटल को इस तरह से आपको खोलना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस कलर बॉटल के कैप को रिमूव कर दिया है। जब आप इस कलर बॉटल को इस तरह से फ्लिप करते हैं तो इसका कलर नीचे नहीं गिरता है। ये कलर तभी गिरेगा जब आप इस कंपार्टमेंट में इसको रखेंगे। तो इसे फिल करने के लिए आपको करना क्या है कि इसके कैप को इस तरह से आपको उठाना है। आपको इसके अंदर इस बॉटल के कैप का शेप दिख रहा होगा, बस आपको इसी शेप में इस बॉटल के कैप को फिट कर देना है। और आप कुछ सेकेंड वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कलर यहाँ पे फिल होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर फिल हो रहा है, ये पूरा कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आपको इस बॉटल को रिमूव कर लेना है। बॉटल हटाने के बाद इसके कैप को आपको नीचे रखकर इस तरह से प्रेस कर देना है, आपको एक आवाज आएगा, इसका मतलब ये कैप इसमें फिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैजेंटा कलर को भी इस पर रख दिया है और ये कलर भी यहाँ पे फिल होने लगा है। ठीक इसी प्रकार से ब्लैक वाले ढक्कन को ऊपर उठाएंगे और इसके कैप को निकाल कर इस बॉटल को इस पर रख देंगे। इसे इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे, फिर आप इसे नीचे कर देंगे तो ये प्रिंटर बंद हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज को यहाँ से आप फिर से सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने अपने प्रिंटर में इंक को फिल कर दिया है या नहीं। तो हमने यहाँ पे इंक को इस प्रिंटर में फिल कर दिया है, तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको लगभग 5 मिनट तक वेट करना है। 5 मिनट पूरा हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले पर सेटअप इज कंप्लीट का मैसेज भी आ गया है। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। प्रिंट करने से पहले आपको इसके पेपर लोडिंग एरिया में पेपर को लोड करना है। इसके पेपर सपोर्ट को इस तरह से आप ऊपर करेंगे और इसे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर आपको पेपर लोड करना है। पेपर लोड करने से पहले इसके पेपर स्लॉट को इसे आप इस प्रकार से स्लाइड करेंगे, उसके बाद इसके बीच में A4 पेपर साइज को इस प्रकार आप लोड करेंगे। मेक श्योर कि पेपर रखने के बाद इसके पेपर स्लॉट को आप एडजस्ट जरूर कर दें, अदरवाइज प्रिंटर सही से काम नहीं करेगा। इसे आपको इस तरह से एडजस्ट जरूर कर देना है ताकि पेपर इसके बीच में अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब आप इसके पेपर आउटपुट ट्रे को इस प्रकार बाहर निकालेंगे और इसके फ्लिप को ऊपर कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस पेपर को स्कैन और प्रिंट करके इस प्रिंटर से दिखाता हूँ। इसके लिए आपको इसके स्कैन वाले एरिया को ओपन करना है और जिस भी पेपर को आप स्कैन करना चाहते हैं उसे आपको इसके बीच में इस प्रकार से रखना है, फिर आप इसे नीचे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन वाला एक बटन दिख रहा होगा, इसे आपको स्कैन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, फिर आप यहाँ पे आपको कॉपी का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कलर पर क्लिक करेंगे, अगर आप ब्लैक प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लैक पर क्लिक करेंगे। ये जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये स्कैन का आउटपुट है और ओरिजिनल इसके अंदर है। मैं आपको दोनों यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफी बेहतर है, हालांकि ये ओरिजिनल से और भी बेहतर यहाँ पे प्रिंट होकर आया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वायरलेसली अपने स्मार्टफोन से इस प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि इस प्रिंटर पर आपको एक कनेक्टिंग का बटन दिख रहा होगा, इस बटन को आपको कुछ सेकंड तक होल्ड करना है। जब आप इसे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करना है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द PC और स्मार्टफोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है सेल्फी कैनन प्रिंट ऐप। अब आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सेल्फी कैनन। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कैनन का प्रिंट ऐप आ जाएगा, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे। आप एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर से एग्री पर क्लिक करेंगे और इसके सारे परमिशन को आप अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर आपके इस प्रिंटर का मॉडल लिखा हुआ होगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। कुछ सेकेंड वेट करेंगे,
इसके सारे परमिशन को अलाउ कर देंगे। जिस राउटर या वाईफाई से आपका ये स्मार्टफोन कनेक्टेड है उसी से ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने राउटर या वाईफाई का पासवर्ड देना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, फिर जिस भी फोटो या डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई तरह के प्रिंट सेटिंग मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसे प्रिंट सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। आप देख सकते हैं कि प्रिंटर से प्रिंट होना शुरू हो गया है। प्रिंट आउट कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपके सामने प्रिंटिंग इज कंप्लीट का मैसेज भी आ गया है। आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ओरिजिनल और इसके स्कैन प्रिंट आउट की क्वालिटी किस टाइप की आई है। अगर मैं यहाँ पे पेपर ग्लॉसी पेपर लगाता तो इसकी क्वालिटी और भी अच्छी होती। चूंकि मैंने इसे एक नॉर्मल पेज में ही प्रिंट किया है इसीलिए इसकी क्वालिटी हल्की डिम आपको दिख रही है। अगर आप चमकदार और हाई क्वालिटी की प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्लॉसी पेपर परचेस करना होगा। ये थोड़ा बाजार में आपको महंगा मिलेगा, तो आप चाहें तो इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक प्रिंट आउट इस ग्लॉसी पेपर पे करके दिखाता हूँ। फिर से कैनन प्रिंट ऐप को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फोटो प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो प्रिंट आउट होकर बाहर आ गया है और यहाँ पे प्रिंटिंग इज कंप्लीट का मैसेज भी आ गया है। आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप इन दोनों में डिफरेंसेस को देख सकते हैं। अगर मैं प्रिंट आउट की क्वालिटी की बात करूं तो प्रिंट आउट क्वालिटी काफ़ी बेहतर निकल के आई है। जिस तरह से आपको इस फोटो में कलर रिप्रोडक्शन दिख रहा है ठीक इसी तरह से इस पेपर पर भी काफ़ी बेहतर तरीके से कलर रिप्रोडक्शन निकल कर आई है। चूंकि ये ग्लॉसी पेपर है इसीलिए इस पर प्रिंट आउट और भी बेहतर तरीके से निकल कर आई है। तो इस तरह से आप चाहें तो बाजार से ग्लॉसी पेपर परचेस करके अपने इस प्रिंटर से किसी भी फोटो को प्रिंट आउट कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप से प्रिंट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैनन का ऑफिशियल ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, तभी आप अपने कैनन के इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कैनन के ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है IJ START CANON। फिर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो रिजल्ट आपको मिलेगा इसे आपको ओपन करना है। आपके सामने कैनन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस सर्च वाले बॉक्स पर आपको अपने कैनन प्रिंटर के मॉडल को टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ G3060, तो यहाँ पे मॉडल आ गया है, उसे आप ओके करेंगे, फिर आप गो पर क्लिक करेंगे। आपके प्रिंटर का फोटो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम सेटअप और कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। हमने अपने प्रिंटर को सेटअप कर लिया है इसलिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने डाउनलोडिंग का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये 20 MB का है, डाउनलोड हो भी चुका है। डाउनलोड होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, इसके फाइल डाउनलोड हो रहे हैं। आपके सामने इसके टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे, तो इसे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, फिर एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कनेक्शन मेथड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर और प्रिंटर को वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB से कनेक्ट करने के लिए जो आपको इस प्रिंटर के साथ जो USB केबल मिला है उसे आपको अपने कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना होगा या आप चाहें तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने प्रिंटर के
पावर बटन को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने प्रिंटर के पावर बटन को ऑन कर दे, तो हमने अपने प्रिंटर के पावर बटन को ऑन कर दिया है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके प्रिंटर को फेच कर लेगा और आपके प्रिंटर का मॉडल नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप इस प्रिंटर को अलाउ करते हैं कनेक्शन के लिए, तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप कुछ सेकेंड वेट करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू आर नाउ एबल टू प्रिंट फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब आप अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट प्रिंट पर क्लिक करना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो गया है, पेपर अंदर चला गया है और ये प्रिंट होकर भी बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफी बेहतर आई है। प्रिंट टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके प्रिंटर का ड्राइवर सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपने कंप्यूटर से किसी भी कॉपी को प्रिंट आउट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने एमएस ऑफिस से डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ। जिस भी डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको अपने कीपैड पे टाइप करना है कंट्रोल पी। आपके सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए सेटिंग भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कई तरह के सेटिंग मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंटर का नेम भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपका प्रिंटर ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, इसे आपको सिलेक्टेड ही रहने देना है और सिंपली आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ सेकेंड आप वेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पेपर अंदर चला गया है और अंदर प्रिंट आउट होना शुरू हो गया है और हमारा प्रिंट आउट भी निकल कर आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने इस प्रिंटर को गूगल होम मिनी और एलेक्सा से सिर्फ बोल कर ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर से आपको कैनन प्रिंट सेल्फी ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको प्रिंटर वाले फोटो पर क्लिक करना है, फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर टू क्लाउड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने प्रिंटर को ऑथेंटिकेट करना है, इसके लिए आप यहाँ पे इजी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकेंड वेट करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, क्या आप अपने इस प्रिंटर को क्लाउड से रजिस्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ सेकेंड वेट करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैनन का अकाउंट बनाना होगा। आप चाहें तो गूगल से भी कैनन का अकाउंट बना सकते हैं, इसके लिए आप कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप अपने प्रिंटर के मॉडल नेम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे मॉडल यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको अपने प्रिंटर के मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ परचेस देना ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करेंगे, प्रिंटर एडिट का मैसेज आ जाएगा, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ से आपको एलेक्सा ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसे आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको अमेजोन के अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का होम स्क्रीन आ जाएगा, नीचे जाएंगे, यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई तरह के ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्किल्स एंड गेम्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है कैनन प्रिंटर, फिर आप सर्च करेंगे। सबसे फर्स्ट पर जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा, इसे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप इनेबल टू यूज़ पर क्लिक करेंगे, ये आपको ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, कैनन इंकजेट प्रिंटर हैज़ बिन सक्सेसफुली लिंक। अब आप इस विंडो को क्लोज करेंगे, फिर से एलेक्सा ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ परमिशन देने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सेव परमिशन पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे स्किल्स एंड गेम्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको योर स्किल्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको कैनन इंकजेट प्रिंटर दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लॉन्च पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके एलेक्सा और प्रिंटर का सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने एलेक्सा से वायरलेसली सिर्फ बोलकर अपने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इस एलेक्सा को वॉइस कमांड देकर इस प्रिंटर से मैं प्रिंट आउट करके आपको दिखाता हूँ। एलेक्सा स्टार्ट कैनन प्रिंटर। वेलकम टू कैनन प्रिंटर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू प्रिंट? प्रिंट वन कलरिंग पेज फॉर चाइल्ड, प्रिंटिंग फॉर योर नाम,
I can also print out number place puzzles, notebook paper, checklist paper, staff paper and more. तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट अब होने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट आउट होकर बाहर आ गया है और मैंने ये बच्चों के लिए जो कलरिंग पेजेस होती है मैंने वो प्रिंट करवाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डायनासोर है, बच्चे इसमें कलर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप चाहें तो इसे कई तरह के कमांड देकर आप अपने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारे कमांड लिख दिए हैं जो आप अपने इस एलेक्सा से इस प्रिंटर के द्वारा करवा सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने गूगल होम मिनी को अपने इस प्रिंटर से कनेक्ट करके वायरलेसली सिर्फ बोलकर प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ से आपको गूगल होम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसे आप ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको अपने कैनन अकाउंट को गूगल होम से लिंक करना ज़रूरी है, तभी आप अपने गूगल होम मिनी को कमांड देकर अपने इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का माइक दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बोलना है टॉक टू माई कैनन प्रिंटर। उसके बाद गूगल असिस्टेंट की तरफ से एक रिप्लाई आएगा, बिफोर यू कैन यूज कैनन प्रिंटर आई नीड टू लिंक योर कैनन प्रिंटर अकाउंट टू गूगल, इज दैट ओके। तो आपको फिर से इस माइक पर क्लिक करना है और आपको बोलना है यस यस। अब यहां पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, ये आपको वेब पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। चूंकि मैंने पहले ही अपने इस फोन में कैनन का अकाउंट लॉगिन कर रखा है, इसीलिए मुझसे यहाँ पर कैनन का आईडी और पासवर्ड नहीं पूछा गया है। आपके केस में यहाँ पर कैनन का आईडी और पासवर्ड पूछा जा सकता है, तो आपको अपने कैनन के अकाउंट में आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको एलो पर क्लिक कर देना है। फिर से ये आपके गूगल होम मिनी में रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। अब आपका ये प्रिंटर आपके गूगल होम मिनी से कनेक्ट हो गया है, अब आप वॉइस कमांड से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कोई कमांड देकर देखते हैं। ओके गूगल, प्रिंट मिनी कार्ड्स। गॉट इट, फॉर दैट यू माइट लाइक कैनन प्रिंटर, वांट टू गिव इट अ ट्राई? यस, प्रिंटिंग फॉर यू नाउ, आई कैन आल्सो प्रिंट आउट कलरिंग पेजेस, नंबर प्लेस पजल्स, नोटबुक पेपर, चेकलिस्ट पेपर, स्टाफ पेपर एंड मोर। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंटर प्रिंट करना शुरू कर दिया है। मैंने इसे मिनी कार्ड प्रिंट करने के लिए बोला था और इसने मिनी कार्ड को प्रिंट भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनी कार्ड प्रिंट होकर आ गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस तरह से आप मिनी कार्ड बना सकते हैं, वो सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप कमांड देकर अपने गूगल होम मिनी से सिर्फ बोलकर अपने इस प्रिंटर से प्रिंट आउट कर सकते हैं।